ओके दे नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांत श्रेया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो के नहीं? तो चलो आओ, शुभकामनाएं देवी किस बात की, लेट द गेम बिगिन। चालू चालू चालू। ओके चलो, सो लास्ट सेशन में चैप्टर कॉस्ट शीट अपन लोग ने कंप्लीट किया, एंड क्या ही कंप्लीट किया, एवरीथिंग। इट इंक्लूडेड ऑल द सम्स फ्रॉम द मॉड्यूल, ऑप्टिमाइज के सारे सम्स हो गए हैं, सब तुम लोग को स्टूडेंट नोट्स के जो पॉइंट्स है वो तुम लोग के पास रेडी है। स्टूडेंट नोट्स अभी भी मेरे पास सबके नहीं आए हैं, आई वॉन्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। प्लस आरटीपी हो, पास्ट पेपर हो, सारे क्वेश्चन अपने हो गए हैं। आप लोगों को अभी आइडिया भी आ गया है कि भाई 10 marks का एवरी अटेम्प्ट में आता है। मैं आपको बता सकता हूं, लास्ट 10 attempt में कॉस्ट शीट अगर मुझे पूछो तो हर अटेम्प्ट में 10 mark आया ही है। और अब उस कॉस्ट शीट से आगे बढ़ रहे हैं अपन टू आवर अनदर चैप्टर, जिसका नाम आपके स्क्रीन पर है, एंड दैट इज मटीरियल कॉस्टिंग। तारीफ करूं क्या इस चैप्टर की, जिसने भी इसको बनाया, अमेजिंगली इंपॉर्टेंट चैप्टर ICAI का। अगर तुम लोगों को मेरा फर्स्ट लेक्चर याद हो ना, तो मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में पेपर पैटर्न करवाया था, ठीक है। वो पेपर पैटर्न में आपको मैंने बोला था दैट वो पेपर पैटर्न में मैंने आप लोगों को बोला था दैट कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, 2 to 6 में से any 5 करना होता है, any 4 करना होता है, बट क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है। एंड मटीरियल कॉस्टिंग में से कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। यस, तो क्या आप मटीरियल कॉस्टिंग को ऑप्शन छोड़ सकते हो क्या? ऑप्शन तो किसी को नहीं छोड़ सकते, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट ये जो चैप्टर है ना, जो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मटीरियल कॉस्टिंग, दिस चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ easily 10 to 15 marks plus compulsory question जो question 1 में आता है is asked from this chapter which is of 5 marks, ठीक है। तो ऐसा सिनारियो है, ठीक है। सो प्लीज राइट दिस डाउन दैट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड अच्छी तरह से करना है। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं तुम लोग को पूछना चाहता हूं, गाइज, ये मटेरियल किस चिड़िया का नाम है, कोई बता सकता है? तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट मेरा सेशन था कॉस्ट शीट का, उसी में बता दिया था भाई कॉस्ट शीट को 2 parts में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को 2 parts में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में 3 elements कॉमन है। कौन से है वो 3 elements? करेक्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। उसका जो पहला एलिमेंट है ना मटेरियल, वो अब अपन करने वाले हैं। सो सुनो, याद है कॉस्ट शीट की मैंने बात की थी, अब मेरे कनेक्शंस देखना। मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कॉस्ट शीट की, और ये चैप्टर मैंने करवा भी दिया। इसको मैंने डिवाइड किया 2 parts में, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में 3 elements होते हैं, कौन से कौन से? एवरीबॉडी बोले कौन से कौन से? मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस स्लैश ओवरहेड। आपको मैं बता दू, ये है अपना चैप्टर नंबर 2। इसके बाद अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, उसके बाद अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। सो कॉस्ट शीट बनाना तो सीख लिया, अब उसके जो इंटरनल एलिमेंट्स है उसके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर अपन करने वाले हैं, पूरे के पूरे चैप्टर अपन करने के वाले हैं। Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4. Please write it down. Write this much down. Come on. Connection कैसा लगा?
प्लीज राइट इट डाउन. करेक्ट मीन्स एलिमेंट. नाउ इन डिटेल चलो शाबाश लिख लो. इतना फटाफट हो गया. नाउ अब समझने की कोशिश करते हैं यार ये मटेरियल होता क्या है. अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये मटेरियल क्या होता है. मैं अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर समझो मेरे को ये शर्ट बनाना है तो शर्ट के बनाने के लिए जो यूज किया है ना एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कॉटन, दैट इज मटेरियल. अगर मैं ये बुक की बात करता हूं, ये बुक बनाने के लिए जो पेजेस यूज किया है ना पेजेस, करेक्ट, व्हाट इज दैट मटेरियल, इंपॉर्टेंट एलिमेंट. ये कैलकुलेटर यू बनाने के लिए, ये कैलकुलेटर क्या है आउटपुट. ये बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया है ना एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज मटेरियल. तो बेसिकली कैन आई से मटेरियल इज वन ऑफ द इनपुट यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट, यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट. क्या मैं सही लिखा है क्या यहां पे? कैन आई से मटीरियल एक इनपुट है जिससे आउटपुट बनता है, जिससे आउटपुट बनता है. अगर अगर एक मिसाल के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे मेरे को अगर देना हो, देन इन दैट केस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज, एक शर्ट को बनाने के लिए कॉटन का यूज, और एक कार को बनाने के लिए स्टील का यूज. जी हां, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? राइट, दीज इसमें से मुझे बताओ अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है और नीचे का पार्ट है वो क्या है. चलो मेरे को बताओ, चलो मेरे को बताओ. करेक्ट, जो ऊपर का पार्ट है इसको कहते हैं आउटपुट. बट अपने को इससे लेना देना ही नहीं है, अपने को लेना देना है नीचे के पार्ट से, एंड दैट इज प्लास्टिक, कॉटन, स्टील. ये जो सारी चीजें यूज हो रही है ना यहां पे, दिस इनपुट टू मेक आउटपुट. बट ध्यान रखना ये इनपुट में कौन से वाले इनपुट की बात कर रहे हैं अपन लोग. We are talking of material, basically raw material. समझ में आया? So pen को बनाने के लिए प्लास्टिक एक रॉ मटेरियल है, शर्ट को बनाने के लिए कॉटन एक रॉ मटेरियल है, कार को बनाने के लिए स्टील एक रॉ मटेरियल है. Got it guys? इधर तक सब लोग साथ में हो मेरे? ठीक है. सो अगर मैं आपको, चलो एक एग्जांपल में कंटिन्यू करता हूं और मैं बोलता हूं कि समझो मैंने आपके सामने रखा एक मोबाइल फोन, मैंने आप लोग सब लोग के सामने रखा एक मोबाइल फोन. ये मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या इनपुट चाहिए? चलो बताओ.
नहीं, मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या इनपुट चाहिए होता है? बट कौन सा इनपुट पता है? मटेरियल वाला इनपुट। बोलो कौन सा इनपुट है विच विल बी कॉल्ड एज अ मटेरियल? मोबाइल बनाने के लिए कौन सा इनपुट है विच विल बी कॉल्ड एज अ मटेरियल? बोलो बोलो, टेल टेल कुछ चीजें जो मोबाइल बनाने के लिए यूज होती है। कौन? स्क्रीन, कैमरा, वेरी नाइस, बैटरी, प्लास्टिक, वेरी नाइस यार। तो स्क्रीन, मोबाइल बनाने के लिए स्क्रीन अगर यूज हुआ है, यस इट इज मटेरियल। मोबाइल बनाने के लिए अगर कैमरा यूज हुआ है, यस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल। मोबाइल बनाने के लिए बैटरी यूज हुआ है, यस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मटीरियल, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। सो अगर मैं बोलता हूं कि बेसिकली ऑल ऑफ दिस अबव इज इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक द आउटपुट, बराबर के नहीं? एंड अगर इसको मैं और क्लैरिटी के साथ लिखता हूं तो साथ देना मेरा अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं उसमें, बिकॉज अब मैं जाने वाला हूं लिखने के लिए उसका डेफिनेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग। क्या होता है मटेरियल? देखो, स्क्रीन, कैमरा, बैटरी इनपुट है, एट द सेम टाइम कैन आई से दे आर टेंजिबल। टेंजिबल है, हाथ लगा सकते हो आप स्क्रीन को, हाथ लगा सकते हो आप कैमरा को, हाथ लगा सकते हो आप बैटरी को, यस। सो टेंजिबल आइटम्स, टेंजिबल आइटम्स दैट आर यूज्ड स्लैश कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सही लिखा है? क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलते हो? सही लिखा है, एकदम मस्त। टेंजिबल आइटम्स, सर मटेरियल में ओनली टेंजिबल आइटम ही होगा ना? यस। फिजिकल आइटम ही होगा ना? यस। गाइज लिख लिया सब लोग ने? श्रेया तूने कॉस्ट शीट को बाद में रिवाइज किया? कोई डाउट आया तेरे को बाद में? गाइज देखो, अभी भी बोल रहा हूं, अभी तक खाली एक चैप्टर हुआ है, जो भी डाउट आएगा पूछ लो, मन की मन में मत रखो, और अभी थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालना चालू करना चालू करो। दिन का अगर 8 घंटा सोते हो तो 7 घंटा सो, 7 घंटा सोते हो तो 6 घंटा सो। दिन में अगर 2 घंटा इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब पे टाइम वेस्ट करते हो तो प्लीज उसको कटआउट कर दो। नेक्स्ट 6 to 9 months इज योर तपस्या। अगर ये तपस्या में सफल होते हो देन इन दैट केस आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज सॉरी बॉट, गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज इस तपस्या के लिए तैयार हो जाओ। एंड आप सबको पता है तपस्या का मतलब क्या होता है, जो पिछले के जमाने में ऋषि और साधु लोग करते थे, राइट? व्हाट वाज दैट? तपस्या। एक साल तक मन उनका इधर से उधर भटकता नहीं था। सेम चीज आप लोग को अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो एक मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर सच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, नॉट एवरीबडी इज एबल टू क्लियर इट। आप सोचो ना, खाली 10 से 15% रिजल्ट आता है, ऐसा एग्जाम आपको क्लियर करना है अभी। सो यू हैव टू पुल अप द सॉक्स गाइस, प्लीज। ओके श्रेया, सर सुबह से लेकर रात तक तपस्या करनी पड़ रही है, मैं तो थक जाता हूं। बस बस बस, यही यही सुनना है, ये जो थकान है ना, यही यही लेके जाएगी तुम्हारे को तुम्हारे मंजिल तक। सर इनटेंजिबल मटेरियल कहां क्लासिफाई होगा? सो इनटेंजिबल मटेरियल यहां पे नहीं आएगा गौरव। चलो ओके सर, डन।
ठीक है ना। ना मटेरियल में नहीं आएगा वैसा मैं बोल रहा हूं भाई। अरे मैं वो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इनटेंजिबल मटेरियल, ये मटेरियल में नहीं आएगा, बाकी वो जाएगा ना रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन, कहां जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, तो वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे उसको। अच्छा ओके, अब कुछ कुछ कंपनीज होती है जो इनपुट भी बनाती है और आउटपुट भी बनाती है, कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है ऐसी कंपनी जो खुद ही अपनी प्रोडक्ट का इनपुट भी बनाती है और जो खुद ही अपने कंपनी का अपने प्रोडक्ट का आउटपुट भी बनाती है। दूं मैं एग्जांपल, कंपनीज विच मेक देयर ओन, कमन कमन तुम लोगों को सोचने का टाइम दिया है, ऐसी कंपनीज जो खुद ही खुद का इनपुट भी बनाती है आउटपुट भी बनाती है, विच मेक देयर ओन इनपुट मटीरियल एंड आउटपुट। चलो दो एग्जांपल देता हूं जो बहुत फेमस है, टाटाज नाम तो सुना होगा, टाटा बनाती है टाटा मोटर्स, आउटपुट टाटा मोटर्स बनाने के लिए उसको जरूरत पड़ती है स्टील की, जो मिलता है टाटा स्टील से, जो मिलता है टाटा स्टील से इनपुट, समझे क्या। फिर नेक्स्ट, और कोई, चलो मैं देता हूं और एक एग्जाम्पल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल बनाता है मिल्क, ठीक है, या चल इधर लेते हैं, अमूल बनाता है कर्ड या पनीर जिसके लिए जरूरत पड़ती है मिल्क की, जो भी मिलता है अमूल से ही। है ना, सो कर्ड या पनीर इज एन आउटपुट, मिल्क इज अ इनपुट टू मेक कर्ड, मिल्क इज एन इनपुट टू मेक पनीर, डन। चलो इधर तक क्लियर है सब लोग, ठीक है। अच्छा अब जब मैं मटेरियल का कॉस्ट पढ़ रहा हूं तो मटेरियल में भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, मेरा फोकस यहां पे डायरेक्ट मटेरियल पे ज्यादा है पूरे चैप्टर में। हाँ रिलायंस भी आता है, रिलायंस का भी ऐसा ही एग्जांपल है, यस नो डाउट अबाउट दैट। चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है आपको, ठीक है। अच्छा सुनो, यहां पे इस चैप्टर में आप लोग किसका बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल का कि इनडायरेक्ट मटेरियल का, अपना फोकस इस चैप्टर में है डायरेक्ट रॉ मटेरियल के ऊपर, विच इज यूज्ड इन मेकिंग द आउटपुट। सो जो इनपुट डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज होता है आउटपुट बनाने के लिए, अपन उसकी बात कर रहे हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को इसका जवाब देना है, एवरीबॉडी सोच समझ के जवाब देना, इज मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, इज मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। हाँ सो मेजरली इस चैप्टर में डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड ही बात होगी, यस शुभम। चलो बोलो, इज मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, क्या लगता है। अरे आप खुद सोचो, इस कैलकुलेटर में से अगर मैं मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल विच इज प्लास्टिक हटा दूं तो क्या बचेगा इस कैलकुलेटर का अस्तित्व, इस शर्ट में से कॉटन हटा दूं क्या बचेगा इस शर्ट का अस्तित्व, इस बुक में से पेजेस हटा दूं क्या बचेगा, क्या बचेगा इस बुक का अस्तित्व, ये क्या हो गया, ये हैंग क्यों हो गया।
क्या हो गया था पता नहीं। हाँ तो क्या इंपॉर्टेंट है मटेरियल? अरे भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज मटेरियल। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल, तो आपको लगता है क्या कि इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा? 100% पूछेगा, और पूछता ही पूछता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो आ जाओ, लिखो भाई साहब। क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप? मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल कॉस्ट। सर मटेरियल कॉस्ट तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ट्रेडिंग या सर्विस बिजनेस को मटेरियल कॉस्ट नेग्लिजिबल। बट जब वो करेंगे तो देखेंगे उनमें क्या इंपॉर्टेंट है। सो अपने को एक चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग, तो सर्विस कॉस्टिंग के टाइम पे देखेंगे उसका में क्या इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे फोकस है अपना, है कि नहीं? ठीक है, चलो नाउ, ओके नाउ पता चल गया है दैट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट मटेरियल ही है मेरा, सिग्निफिकेंट है काफी, राइट? नाउ वेयर डज आर रोल कम इन टू द पिक्चर? क्यों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है इस मटेरियल को समझने में? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आओ मैं आपको बताता हूं व्हाई इज दिस चैप्टर सो इंपॉर्टेंट। देखो अगर मेरे को कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो कहना इसे, उसके लिए तो मेरे को मटेरियल की जरूरत लगती है, उसके लिए तो मेरे को मटेरियल की जरूरत लगती है। अब इस मटेरियल में कितना मटेरियल मेरे को मंगवाना है मेरे फैक्ट्री में सप्लायर के पास से, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। क्या क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल आना चाहिए, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। कब मंगवाना है, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। कितने टाइम में उसको रीफिल करना है, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ये सारी चीजों का जवाब देता है ये चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, मैं भी आपको ये वाली चीज भी लिखवाता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सी यर, अभी मैं तुम लोगों को लिखवाता हूं दैट एज कैन बी सीन फ्रॉम अबाउ, एज कैन बी सीन फ्रॉम अबाउ मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आर कॉस्ट स्ट्रक्चर। मैनेजिंग प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। समझ में आया क्या? क्वालिटी क्वांटिटी दोनों एकदम सही होना चाहिए।
मतलब हमें कितना मटेरियल मैनेज करके करना है, ये चैप्टर हमें वो बताता है. तो देखो कैसा है पता है क्या, अब मेरे को पता है कि ये शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट बनाने के लिए मुझे 10 किलो कॉटन चाहिए, तो क्या मैं 1000 किलो कॉटन ऐसे ही अनाप शनाप कुछ भी मंगवा दूंगा क्या? द आंसर इज नो. मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में डिमांड कितना है, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना क्वांटिटी बनाना है, मुझे देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये यूज हो जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ये खराब ना हो जाए. ये सारी चीजों को कहते हैं मटीरियल कॉस्ट कंट्रोल, विच इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, विच इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर. समझ में आ रहा है तुम लोग को गाइस? बोलो बोलो, चल चल, ठीक है. सो यस, सो राइट ऑन, राइट ऑन. क्या चाहिए इस, अब इस चैप्टर से अपने को क्या सीखने को मिलेगा? बैक वाला पेज पर क्या लिखा था, ये लिखा है, पता चलेगा कब कितनी क्वांटिटी में कितना मटेरियल ऑर्डर करना है, इज व्हाट दिस चैप्टर इज गोइंग टू टीच अस, इज व्हाट दिस चैप्टर इज गोइंग टू टीच अस. ठीक है, आओ. सो क्वालिटी प्लस प्रॉपर क्वांटिटी का. सो इन दिस चैप्टर आर फोकस इज ऑन इंश्योरिंग दैट सफिशियंट गुड्स स्लैश रॉ मटेरियल आर रिटेन्ड इन स्टॉक टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स विदाउट कैरिंग अननेसेसरीली, ये लिखते जाओ अननेसेसरीली लार्ज स्टॉक्स. ठीक है, प्लीज कॉपी दिस, प्लीज कॉपी दिस, प्लीज कॉपी दिस. ठीक है, सो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को जो देखना है वो है कब परचेज करना है, कितना परचेज करना है. ठीक है, अब परचेज तो कर दिया, करने के बाद स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज का कॉस्ट, स्टोर कर दिया उसके बाद कौन इश्यू करेगा, कितना इश्यू करेगा, समझ रहे हो तुम लोग? ये सारी चीजें इस चैप्टर में अपने को सीखनी है. हाँ, बता रहा हूं मैं आपको, राइट. सो इस चैप्टर का जो एस्पेक्ट है, विच इज मटेरियल कॉस्ट, इस चैप्टर में मेजरली अपना फोकस होगा ऑन परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें अपन देखेंगे भाई कितना क्वांटिटी प्लस क्वालिटी. ठीक है, अगर अपने को अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल कब ऑर्डर करना है एटसेट्रा, ये सारी चीजें अपने को यहां से पता चलेगी. दूसरा, व्हाट इज गोइंग टू बी स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट, भाई स्टोर भी तो करना पड़ेगा,
मंगवा तो लिया, उसके बाद क्या स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट का क्या, फिर इश्यू भी करना पड़ेगा भाई। मटेरियल आ गया, किसी ना किसी के पास पड़ा रहता है मटेरियल, आता है किसके पास पड़ा रहता है, मैंने तुम लोगों को सिखाया है कहने से, स्टोर मैनेजर के पास। अब अगर किसी को भी रॉ मटेरियल चाहिए तो वो स्टोर मैनेजर के पास जाएगा और स्टोर मैनेजर को बोलेगा, स्टोर मैनेजर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो स्टोर मैनेजर इसको इश्यू करेगा और देखेगा कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, तो उसको बोलते हैं इश्यू एंड कंजम्पशन। समझे क्या? आई बोले बोले समझे क्या? ये रहा तुम्हारा ये पूरा चैप्टर मटेरियल कॉस्ट। प्लीज राइट दिस डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। सर स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट एंड इश्यू कंजम्पशन बताना फिर से। अरे भाई अभी तो बाकी है रे, अभी तो खाली एक वर्ड यूज हुआ है, बट फिर भी बता देता हूं। जब तू रॉ मटेरियल ऑर्डर करेगा तो रॉ मटेरियल आ जाएगा तेरे फैक्ट्री में, बराबर है। अब उसको तेरे सर पे तो नहीं रखेगा या मेरे सर पे तो नहीं रखेगा, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो वो जहां पे तू स्टोर करेगा उसको कहते हैं स्टोर एरिया। उस स्टोर एरिया को कोई मैनेज करेगा, वो होगा स्टोर मैनेजर। तो ये सब का खर्चा लगेगा ना, स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट। समझा? अब स्टोर्स में पड़ा है मेरा माल, ठीक है, कोई ना कोई जिसको प्रोडक्शन करना है वो आएगा और बोलेगा चलो मेरे को ये रॉ मटेरियल दो, बराबर है। तो रॉ मटेरियल स्टोर से इश्यू होगा और प्रोडक्शन मैनेजर जो भी होगा उसके पास जाएगा, तो वो सब चीज ऑथोराइज्ड होनी चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी ना अपन लोग हवा में कुछ हो सकता है वैसा, बट इसको अभी डिटेल में करना है, डोंट वरी। चलो इतना लिख लिया गाइस सब लोग ने, डन। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है, कब परचेज करना है, कितना परचेज करना है, क्या क्वालिटी होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कितना इश्यू होगा, कितना कंजम्पशन होगा, ये सब मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है उस डिपार्टमेंट का नाम? जी हाँ, आपको सोच के बताना है उस डिपार्टमेंट का नाम। कोई मुझे बता सकता है उस डिपार्टमेंट का नाम जहां पे ये सारी चीजें हो रही है? लेडीज एंड जेंटलमैन, उस डिपार्टमेंट का नाम है परचेज डिपार्टमेंट। जी हाँ, क्या नाम है उसका? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, अरे समझे क्या? तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है आखिर। कम 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 एवरीबॉडी, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो सुनो अभी, सो
परचेज डिपार्टमेंट मेनली किसके लिए होता है? टू मैनेज द रॉ मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. परचेज डिपार्टमेंट क्यों सेटअप किया जाता है? टू मैनेज द रॉ मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी रॉ मटेरियल का काम आने वाला है वो सारा का सारा कौन मैनेज करने वाला है बच्चों? वो कौन मैनेज करने वाला है? एवरीबॉडी लिख के लिख के, एवरीबॉडी लिख के बताएंगे रॉ मटेरियल को मैनेज करने का काम कौन से डिपार्टमेंट का है? परचेज डिपार्टमेंट का. किसका है? परचेज डिपार्टमेंट का. अब सबसे पहला काम परचेज डिपार्टमेंट जिसको रॉ मटेरियल, अभी ऐसा सोचो कि आप लोग परचेज डिपार्टमेंट हो, ठीक है, लॉजिकली सोचना थोड़ा. ऐसा सोचो कि आप लोग परचेज डिपार्टमेंट हो, ठीक है, और अपनी कंपनी बनाती है शर्ट्स, ठीक है. अब ये शर्ट बनाने के लिए अपने को कॉटन की जरूरत लगेगी, है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे बोलो? अगर आप परचेज डिपार्टमेंट के हेड हो, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे बोलो फटाफट? कम ऑन एवरीबॉडी गाइस, परचेज डिपार्टमेंट के आप हेड हो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? हाँ हाँ है भाई साहब, आप बोल रहे हो सर परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे. अरे ऐसे कैसे रॉ मटेरियल परचेस कर लेंगे भैया? हाँ, अगर चलो अभी मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं. सुनो 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 सुनो, सीधा 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 परचेज नहीं करोगे आप. अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है, आपको पर्सनली कोई मोबाइल खरीदना है, तो सीधा आप शॉप पे जाके मोबाइल खरीद लोगे, सब चीज अच्छी बोलो. या आपको ही कोई शर्ट खरीदना है तो आप सीधा जाके कोई शर्ट सीधा जाके खरीद लोगे क्या? इंडियन मेंटेलिटी में ऐसा होता ही नहीं है भाई. जब तक अपन 10 दुकान पे 10 लोगों से 10 चीजें ना देख ले तब तक खरीदते हैं क्या? द आंसर इज नो भाई. एक बार ऑनलाइन देखेंगे, अमेजोन पे देखेंगे, फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, है कि नहीं? फिर कोई 2-3 दुकान पे जाके देखेंगे, ठीक है, अलग अलग कोटेशन आएंगे, उसमें से जो बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी होगा उसको चूज करेंगे, बराबर कि नहीं? वही काम पहले अपने को एज अ परचेज डिपार्टमेंट करना है. तो अर्नव एकदम सही बोला, फुल सर्वेबाजी करते हैं ना फिर खरीदते हैं ना, है कि नहीं? सीधा थोड़ी ना खरीद लेते हो. तो परचेज डिपार्टमेंट भी आपके और मेरे जैसा ही है, करेक्ट? तो वो पहला काम करेगा. हाँ, तो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कोटेशन मंगवाएंगे अलग अलग सप्लायर्स के पास से. रॉ मटेरियल कौन कौन देता है? रॉ मटेरियल देता है सप्लायर. सो वी विल इनवाइट कोटेशन फ्रॉम सप्लायर्स, पहला काम. कोटेशन फ्रॉम सप्लायर्स. और बताओ व्हाट एल्स? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. अब कोटेशन आ गया, अब क्या? अब चूज करना है अपने को. सो नेक्स्ट चूज सप्लायर. With best quality and low cost. Best quality and low cost. चलो अब next और क्या? अब देखो सुनो, मैंने 10 जनों से quotation मंगवाया, उसमें से best choose कर लिया, जो बेस्ट क्वालिटी भी दे रहा है लो कॉस्ट भी दे रहा है. अब मैं उसको ऑर्डर दे दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई चल ऑर्डर लेके राजा, ठीक है. सो ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना? ये प्रोसेस एक पता होना चाहिए इंसान को. अब ऑर्डर करने के बाद क्या करते हैं अपन लोग? अमेजोन पे ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद ट्रैक ऑर्डर करते रहते ना, ये टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 दिन बोला था 3 दिन में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. वही काम परचेज डिपार्टमेंट को करना है, रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन टाइम. रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन टाइम, टाइम पे आ जाना चाहिए यार रॉ मटेरियल, है कि नहीं?
बराबर है, ठीक है। अब समझो आ गया रॉ मटेरियल, अब क्या, हाँ अब रॉ मटेरियल आ गया, चलो ये रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन टाइम आया, उसके बाद क्या, उसके बाद सीधा उसको स्टोर में डाल दोगे क्या, सीधा उसको स्टोर में डाल दोगे, नहीं, उसमें से कोई खराब हुआ तो आप जैसे ही वो आता है आप इंस्पेक्शन करोगे, क्या करोगे आप इंस्पेक्शन करोगे, तो उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, ठीक है, यस। सी देखो एक प्रोसेस पता होना चाहिए, ऐसा सोचो कि आप खुद फैक्ट्री में हो तब क्या क्या चीजें हो रही होगी वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा कोई चैप्टर को करने का। अदरवाइज मैं चाहूं तो सीधा फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकता हूँ, जो आप नोट करोगे यूजुअली होता है ऐसे ही ये चैप्टर में, बट वो सब मेरे दायरे के बाहर है। पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ये प्रोसेस कहीं पे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है कोई भी, बट मुझे प्रैक्टिकली जब तक पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ कोई चैप्टर में यार। तो इसके थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्यों ये चैप्टर कर रहे हैं, हर चैप्टर को करने के पहले का रीजन क्यों आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज डूइंग दैट चैप्टर इज नथिंग बट मगोफाइंग या रट्टा मारने वाली बात हो जाती है। बट अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आपको पता है कि हाँ भाई ये चीजें हो रही है, ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये वाला काम ये है, इधर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो आपका कनेक्ट बैठेगा चैप्टर के साथ, एक कनेक्ट बैठा रहेगा, राइट। चलो अब इंस्पेक्शन कर लिया है, इंस्पेक्शन में समझो थोड़ा डिफेक्टिव माल निकला है तो उसको आप अपने पास रखोगे या चल पहली फुर्सत में निकल, बराबर है, सो रिटर्न कर देंगे, सो रिटर्न ऑफ पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल। रिटर्न ऑफ पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल, वेरी नाइस। समझो रॉ मटेरियल ऑर्डर किया 100 रॉ मटेरियल, 5 डिफेक्टिव निकला, उसमें से डिफेक्टिव निकला 5 रॉ मटेरियल, तो बचा कितना, 95 रॉ मटेरियल। समझ में आया? कैन इट बी सेल ऑफ स्क्रैप, अगर 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 ये चीज अपन लोग ने रिटर्न नहीं की तो वो अपने पास ही रह जाएगा और अपने को एज अ सेल ऑफ स्क्रैप करना पड़ेगा यश। बट अगर मुझे इंस्पेक्शन पे पता चल गया डिफेक्टिव है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा और इसका पैसा भी नहीं दूंगा उसको। ओके, जो अब जो बच गया 95 उसको अपन स्टोर कर देंगे, हो सकता है उस 95 में से भी एक दो खराब हो जाए, हो सकता है उस 95 को मैंने जहां पे स्टोर किया है वहां पे चूहे आ जाए और एक दो मेरे रॉ मटेरियल को चूहे खा ले तो वो डिफेक्ट हो गया, उसको यशु मैं सेल ऑफ स्क्रैप कर दूंगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, समझे। अब जो भी अच्छा 95 रॉ मटेरियल अच्छा बचा है उसको मैं क्या कर दूंगा, स्टोर करूंगा, मैं कहां पे, स्टोर्स डिपार्टमेंट में, स्टोर्स एरिया में। तो अब आ जाती है बात स्टोरेज, कहां पे, इन स्टोर्स डिपार्टमेंट, राइट। सर चूहे मारने वाली दवा भी छिड़क देना, रहे आजकल के चूहे बड़े होशियार हो गए, उनको ये चूहे मारने वालों की दवा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ चल नेक्स्ट, अब सुनो, अब क्या जिंदगी भर उसको स्टोर में ही रखना है, हाँ क्या जिंदगी भर उसको स्टोर में रखना है, स्टोर में रखने के लिए खरीदा था क्या, नहीं ना। अब क्या करूंगा मैं बोलो, अब प्रोडक्शन मैनेजर आएगा, जो प्रोडक्ट्स बनाने वाला है, जो प्रोड्यूस करने वाला है वो आएगा और वो रॉ मटेरियल इशू करवा के लेके जाएगा, वो इशू करवा के लेके जाएगा। सो अब आता है नेक्स्ट इशू ऑफ रॉ मटेरियल, बाय प्रोडक्शन टीम, ठीक है। अब कितने, समझो 100 रॉ मटेरियल ऑर्डर किया था, उसमें से 5
रॉ मटेरियल खराब निकला, रिटर्न कर दिया, ये अपन लोग ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसमें से 95 मैंने स्टोर किया है। अब मेरे को से फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा है कि मेरे को 30 रॉ मटेरियल चाहिए, तो 30 रॉ मटेरियल मैं इशू कर दूंगा, तो ये सब का हिसाब किताब तो मेरे पास होना चाहिए ना, बराबर के नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल। सर चूहे मारने की दवा को भी कॉस्ट में लू क्या? 100% यस, व्हाई नॉट, डन, बराबर है। अब लास्ट में ये सब जो हुआ है उसका एक स्टॉक ऑडिट किया जाएगा, उसका एक स्टॉक ऑडिट किया जाएगा। गॉट इट गाइस, समझ में आ रही है बातें आपको सबको? प्लीज कंफर्म करो एवरीवन, क्लियर है? ठीक है। सो अगर 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 मैं एक फैक्ट्री बनाता हूं, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एक फैक्ट्री बना के दिखाता हूं, तो ये एक फैक्ट्री है। आप कभी भी कोई फैक्ट्री में जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मशीन दिखेगा, मशीन्स दिखेगी, बहुत सारी मशीन्स दिखेगी, वैसे ही यहाँ पे होंगे। ये होगा से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन टीम, यहाँ पे बैठता होगा से परचेज टीम, ऐसे ही यहां पे होगा एक स्टोर्स डिपार्टमेंट, समझ रहे हैं? इस स्टोर्स डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल पड़ा होगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल पड़ा होगा। तो अगर किसी को चाहिए, प्रोडक्शन टीम आएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट में मटेरियल लेके जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया पूरा पिक्चर एवरीवन? हाँ, ये सारा का सारा काम परचेजिंग डिपार्टमेंट का होता है, एंड टू एंड। और अगर ये सब चीजें सही तरीके से हो गई, तो फिर लास्ट में आप पैसा दे देंगे, बराबर? चलो लास्ट में आता है इनवॉइसिंग एंड पेमेंट। सही लगा एकदम? सर पैसा तो स्टार्टिंग में ही दे देंगे ना, आफ्टर इंस्पेक्शन? नहीं, इतना जल्दी क्यों देना है भाई, बहुत पैसा आ रहा है क्या तेरे पास? हाँ साहू, नहीं ना, तो फिर प्लीज प्लीज, डन गाइस, इतना क्लियर है? हाँ, मुझे इधर किसी ने पूछा इनवॉइस का मतलब क्या होता है। मेरे भाई इनवॉइस का मतलब तो जब तू कोई भी दुकान में कोई चीज लेने को जाता है, तो तुझे जो बिल मिलता है ना, बिल, उस बिल को कहते हैं इनवॉइस बेटा। ठीक है, समझ में आया अर्नब? तो जो बिल है उसको इनवॉइस कहते हैं। तो ये इनवॉइसिंग के जगह पे तू ब्रैकेट में लिख दे बिलिंग, मुझे लगा था यार उसका मतलब पता होगा, सो वो मुझे एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत ना पड़े। हाँ, जिसके अंदर सारी डिटेल होती है प्रोडक्ट के प्राइसिंग की, क्वांटिटी प्लस प्राइसिंग दोनों उसमें होता है। चलो गाइस क्लियर है इतना? कैन आई मूव ऑन? बोलो बोलो, टेल टेल। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो यहां पे ये 10 स्टेप सब लोगों को क्लियर है परचेज डिपार्टमेंट के, इस फैक्ट्री में क्या हुआ वो सब लोगों को क्लियर है गाइस? बोलो बोलो, टेल टेल, यस ओके।
अब मैं आप लोग के साथ बना रहा हूं एक मटेरियल परचेज का फ्लो, एंड दैट फ्लो इज गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस इन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, इन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। अब मैं बनाने वाला हूं मटेरियल परचेज का फ्लो। मटेरियल परचेज फ्लो इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू मेक, इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू मेक। सबसे पहला चीज जो अपने को यहां पे मटेरियल या परचेज डिपार्टमेंट को पता होनी चाहिए इज बेसिकली हाउ मच क्वांटिटी टू परचेज एवरी टाइम। आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी परचेज करोगे क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है कितना डिमांड है प्रोडक्ट का मार्केट में। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, उस सब के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना रॉ मटेरियल आपको ऑर्डर करना चाहिए। समझ में आया? तो पहला चीज आपको इस फ्लो में क्या पता होना चाहिए, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू परचेज, हाउ मच रॉ मटेरियल टू परचेज एवरी टाइम। ठीक है, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देने का, बेस्ड ऑन डिमांड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर आउटपुट एटसेट्रा। सो ये मेरा पहला है क्या, राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर होना चाहिए, राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर होना चाहिए। डन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट इज राइट टाइमिंग। कब खरीदे उसका टाइमिंग एकदम सही होना चाहिए बरकरार। ऐसा नहीं कि बस चलो आज फ्री बैठे, चलो आज ऑर्डर कर दिया। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, अरे 10,000 क्वांटिटी ऑर्डर कर दिया। नहीं, राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। भैया ये शादी की तरह है, हा, राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। सो चलो आ जाओ, When to purchase? हाँ भैया, When to purchase? And that will be called as right time. Correct, very good Yashu, good point. क्यों ऐसा कि right time पे purchase करना चाहिए, right quantity? क्योंकि अगर आपने ज्यादा quantity order कर दिया तो उतना आपको ज्यादा store करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा तो स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगा। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर दिया तो फिर आपका इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा सप्लायर के पास से, है कि नहीं? ये सब चीजों को ध्यान में रख के आपको राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम ऑर्डर करना होता है, जो आपको ये चैप्टर सिखाएगा। अगर आपने कम क्वांटिटी ऑर्डर कर दिया तो भी प्रॉब्लम। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि अगर आपने कम क्वांटिटी ऑर्डर किया तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट ही ना कर पाओ, तो अगेन दैट कैन क्रिएट एन इश्यू। सो ऑल ऑफ दीज को ध्यान में रखते हुए वी विल डिसाइड दैट क्या राइट क्वांटिटी है एट राइट टाइम। हाँ शुभम, समझ रहा हूं मैं। चलो, सो व्हेन टू परचेज, राइट टाइमिंग होना चाहिए। ठीक है,
समझ में आया इतना? थर्ड, कहां से परचेज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सप्लायर सही होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आया ना तो गए। हाँ हो सकता है कहां से परचेज करना है वो अपने को इस चैप्टर में इतना ना पता चले इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट फिर भी वी शुड नो। थर्ड थर्ड इज फ्रॉम वेयर टू परचेज, फ्रॉम वेयर टू परचेज, इसको बोलते हैं राइट सोर्स। यानी अपना सप्लायर कौन है। नेक्स्ट, सबसे क्रूशियल, एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस स्लैश कॉस्ट, ठीक है। सो राइट प्राइस, ए समझिगड़ू। क्लियर है गाइस, फ्लो समझ में आ गया? सो अब बेसिकली आपको समझ में आ गया कि ये जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होता है, उसका ही काम है ये पूरा परचेज फ्लो सेट करना, मतलब राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट राइट टाइम फ्रॉम राइट सोर्स एट राइट प्राइस। शाबाश, प्लीज प्लीज कॉपी। प्लीज कॉपी, जैसे ही होता है कंफर्म करो। यस, ओके। सो अब तक अपने को पता चल गया है टोटैलिटी में दैट कितना इंपॉर्टेंट है ये परचेज डिपार्टमेंट, राइट? चलो नाउ नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, जो अपन लोग कब से परचेज डिपार्टमेंट को पूछ रहे हैं या रादर परचेज डिपार्टमेंट खुद उसका जवाब चाहता है, एंड दैट इज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू परचेज एवरी टाइम, कितना क्वांटिटी अपन को परचेज करना चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, अपन जो चैप्टर कर रहे हैं ना उसमें कॉस्ट का, खर्चे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो कहीं खर्चा ज्यादा ना हो जाए, तो उस चीज को ध्यान में रख के मुझे परचेज करना होता है। सो हियर आई राइट क्या, परचेजिंग डिपार्टमेंट, हियर आई राइट परचेजिंग डिपार्टमेंट, एंड इसमें पहली चीज जो मैं लिख रहा हूं एंड दैट इज हाउ मच क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी टू परचेज, हाउ मच टू परचेज द राइट क्वांटिटी,
राइट क्वांटिटी गॉट इट. नाउ अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब तुम लोगों को इसका जवाब देना है, मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसका जवाब देना तुम लोगों को है. देखो एक तो होता है राइट क्वांटिटी परफेक्ट क्वांटिटी, एक होता है कि मैं अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर दू तो, दूसरा होता है अगर मैं कम क्वांटिटी ऑर्डर करूं तो. सो ना ज्यादा ना कम, ऑब्वियसली मैं दोनों भी नहीं करना चाहता हूं. ज्यादा ऑर्डर कर दूंगा तो भी प्रॉब्लम है, कम ऑर्डर कर दिया तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम है, राइट. सो अगर मैं ज्यादा ऑर्डर कर दू या कम ऑर्डर करूं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है वो मुझे तुम लोग बताओ. समझो मैंने बहुत कम क्वांटिटी ऑर्डर कर दिया, टू लिटिल, तो क्या होगा, क्या तकलीफ है, बताओ क्या तकलीफ है, बोलो. अगर मैंने कम क्वांटिटी ऑर्डर किया, ठीक है ना, मेरे को करना चाहिए था 1000 रॉ मटेरियल, मैंने खाली 700 रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, कम क्वांटिटी ऑर्डर किया, तो क्या होगा उससे, प्रोडक्शन कम होगा, बट मेरे को तो वापस प्रोडक्शन करना है, मुझे तो ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो अगर कम प्रोडक्शन हुआ है तो कहना इसे मुझे वापस ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर वापस करना पड़ेगा, बराबर है. अगर फिर कम क्वांटिटी ऑर्डर किया तो डिमांड को मैच भी नहीं कर पाएंगे अपन लोग. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस. सो ये सब इश्यूज हो जाते हैं. सो आई विल राइट हियर, सबसे बड़ा इशू क्या है, वी विल हैव टू ऑर्डर अगेन एंड अगेन. अब अगर मैं बार बार ऑर्डर कर रहा हूं तो क्या बार बार ऑर्डर करने में कोई खर्चा लगता है क्या, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, क्या बार बार ऑर्डर करने में कोई खर्चा लगता है क्या, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का लगेगा, इसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट. सो कैन आई से ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस है कि नहीं. अब इसमें क्या हो गया मेरा ट्रांसपोर्टेशन, बराबर है. अब हर बार बार ऑर्डर करने की वजह से कैन आई से मेरा जो परचेज ऑर्डर बनाता है वो टीम को भी बार बार नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा, नया बिल बनाना पड़ेगा, तो मेरा एडमिन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा. सो ट्रांसपोर्टेशन, एडमिन कॉस्ट एटसेट्रा इंक्रीजेस. समझ में आया इतना सब लोग को, समझ में आया इतना एवरीबॉडी, येस और नो, बोलो बोलो, टेल टेल, प्लीज कंफर्म गाइस, आर वी क्लियर. दूसरा, दूसरा अगर मैंने ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो क्या होगा, चलो टू लिटिल पे तो समझ गया, टू मच ऑर्डर कर दिया तो बोलो. ज्यादा आ गया तो मेरे सर पे रखूंगा क्या, तो स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज. फिर आउटडेटेड हो जाएगा, बराबर है. सो देखो अगर समझो आपने ज्यादा ऑर्डर कर दिया और बाद में मालूम पड़ा, सिर्फ मैंने कुछ फैशन के हिसाब से कुछ ऑर्डर किया और मालूम पड़ा कि यार अभी फैशन चेंज हो गया है, तो आउटडेटेड भी हो सकता है कि नहीं, तो जबरदस्ती का क्यों ऑर्डर करने का, पेरिशेबल होगा तो वेस्ट भी हो जाएगा, करेक्ट. सो आउटडेटेड हो सकता है वो, बराबर है, ओके. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा है ना कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा. इसका मतलब समझते हो तुम लोग, समझो मैंने अगर ऑर्डर किया, समझो अगर मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, अगर मैंने ज्यादा यूनिट्स को ऑर्डर कर दिया, ठीक है, ये जो मेरे पास ज्यादा एक्स्ट्रा यूनिट्स आ गए हैं, उन एक्स्ट्रा यूनिट के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा और उतना मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा ना यार. Are you understanding, guys? So that will also become a big issue. इसको बोलते हैं कैपिटल
गेट्स ब्लॉक्ड, कैपिटल गेट्स ब्लॉक्ड, ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट बोल सकते हैं इसको, या इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आया? आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना, ऑब्सोलीट हो जाना। तो मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया, ज्यादा ही मंगा दिया, ठीक है, जरूरत नहीं है फिर भी मंगा दिया, अब कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटडेटेड। समझे? आउट ऑफ ट्रेंड हो सकता है वो, बराबर है, डन, अच्छा ठीक है। अब मेरे को बताओ, टू लिटिल करने में भी प्रॉब्लम, टू मच करने में भी प्रॉब्लम, तो क्या करना चाहिए? इन दोनों को बैलेंस आउट करना चाहिए, देयरफॉर वी शुड सर इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट कैसे, मैं बता दूं, समझो आपने टू मच ऑर्डर कर दिया, समझो आपने टू मच ऑर्डर कर दिया, आपको चाहिए था 1000 क्वांटिटी, बैलेंस्ड है, बट आपने ऑर्डर कर दिया 1500 क्वांटिटी, ठीक है, सो कैन आई से ये जो 500 क्वांटिटी है इसके ऊपर से 1000 पर क्वांटिटी, तो आपका तो रुपीज 5 लाख कैपिटल ब्लॉक हो गया, आपका ये 5 लाख का एक्स्ट्रा कैपिटल ब्लॉक हो गया, एक्स्ट्रा कैपिटल ब्लॉक हो गया। इसको अगर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट में रखता 10% इंटरेस्ट, तो भी मुझे एक्स्ट्रा 50,000 रुपया मिल जाता, जो अब मुझे नहीं मिल पाएगा, अब मुझे नहीं मिल पाएगा। दिस इज द बिगेस्ट इशू, दिस इज द बिगेस्ट इशू। समझ में आया दिव्या जी? समझ में आया आपको? यस, ठीक है, चलो। सो अब अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर Whatever we are purchasing should be in a balanced quantity. Therefore, raw material purchases should be balanced in quantity. लिख ले पलक, ये लिख ले, नो ओवर स्टॉकिंग, sufficient quantity should be available to meet requirements of production and एंड ऑफ द डे अपने को चाहिए ओवरऑल परचेज कॉस्ट
शुड बी मिनिमाइज। ठीक है, ज्यादा ही समझ रहा है ये प्रशस्त। चलो डन गाइस, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। और नानी ने पूछा कैपिटल ब्लॉक का मतलब, कैपिटल ब्लॉक मतलब अभी तेरा ये पैसा अटक गया ना, इतना 500 तूने फालतू में ज्यादा मंगाया उसकी वजह से तेरा पैसा इतना अटक गया। वही पैसे को अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो एफडी पे मुझे इंटरेस्ट मिल जाता, वही नहीं मिल पाएगा, वो प्रॉब्लम है। डन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, अब परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या क्या करता है वो सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर हो गई है। परचेजिंग डिपार्टमेंट के तीन मेजर कॉस्ट होते हैं, तीन मेजर कॉस्ट अगर तुम लोग यहां पे देखोगे ना तो तीन मेजर कॉस्ट होते हैं। एक तो उसका जो परचेज कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, वो सीधी सी बात है, वो तो है ही। दूसरा, जितनी भी बार मैं रॉ मटेरियल को ऑर्डर करूंगा क्या ना, इससे उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, यस। एंड थर्ड इज माय स्टोरेज कॉस्ट, या जिसको अपन बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तीन मेजर कॉस्ट एक परचेज डिपार्टमेंट को इंकर करने पड़ते हैं। वापस से मैं बताता हूं क्या क्या। देखो इधर, परचेजिंग डिपार्टमेंट को क्या इंकर करना पड़ता है, मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट्स, मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट्स। क्या है मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट? सो थ्री मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट्स आर देयर। जी हां, मेजरली ये तीन मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट है। पहला परचेज कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरा स्टोरेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं प्यार से कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसको एक्स्ट्रा जो मंगा लिया ना, देखो वो एक्स्ट्रा जो मंगा लिया ना उसको मैनेज करना है, उसको कैरी करना है, उसके उसको स्टोर करना पड़ेगा, मेरा जो कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उन सबको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। जो मैं लिखवा रहा हूं तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा, प्लीज राइट इट डाउन, मेरे साथ लिखते जाइए, प्लीज मेरे साथ लिखते जाइए। पहला कॉस्ट पेड टू द सप्लायर, कॉस्ट पेड टू द सप्लायर। सेकेंड
ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? जितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा उतनी बार मेरा खर्चा लगते जाएगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरा ट्रांसपोर्टेशन, मेरे को बार बार बिल बनाना पड़ेगा, एडमिन रिलेटेड कॉस्ट, राइट? लिखो सेकंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ऑर्डरिंग और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सर हमें कौन सा बिल बनाना पड़ेगा, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। शाहू, शुभम साहू का क्वेश्चन है कि सर बिल तो वो अपने को कुछ बना के भेजेगा ना, क्या नाम है उसका, सप्लायर, वो बिल भेजेगा, अपन उसको पेमेंट करेंगे, बट उसके पहले ना एक परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है तेरे को, तो पहले तू परचेज ऑर्डर बना के उसको भेजेगा, वो परचेज ऑर्डर के बेसिस पे वो तेरे को गुड्स भेजेगा। तू परचेज ऑर्डर में लिखेगा इतने क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए, तो तेरे को अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो आ जा तेरे स्टेप नंबर 3 पे। ये देख इधर, स्टेप नंबर 3 पे ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको कहते हैं परचेज ऑर्डर। तो तू परचेज ऑर्डर बना के भेजेगा ना सप्लायर को, ये वो है, तो वो काइंड ऑफ इनवॉइस नहीं बोल सकते उसको, बट उसके लिए एक एडमिन बिठाना पड़ेगा तेरे को आदमी, बार बार वो एडमिन वाले का टाइम वेस्ट होगा, तो वो है, बुला रहे। अच्छा, अब जितनी बार ऑर्डर करूंगा उतनी बार गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, सो लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मटेरियल। फिर इनवॉइसिंग स्लैश एडमिन कॉस्ट, सो परचेज ऑर्डर स्लैश एडमिन कॉस्ट। देन पैकेजिंग कॉस्ट भी उतना बढ़ते जाएगा जितनी बार ऑर्डर करेंगे, जितनी बार ऑर्डर करेंगे उतना इंस्पेक्शन भी बढ़ते जाएगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट। सब लोगों को क्लियर है इधर तक? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल, सही है, डन है, डन है। एंड लास्ट में आता है मेरा कैरिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं प्यार से कॉस्ट फॉर होल्डिंग इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी मतलब रॉ मटेरियल। सर जो टोल टैक्स आएगा वो भी, यस वो भी इधर ही आएगा, डाल दे टोल टैक्स कहीं पे, जगह दिख रहा है तू। सर पैकेजिंग कॉस्ट कैसे, हम कौन सा पैक कर रहे हैं? नहीं ना, जब भी तेरा सप्लायर भेजेगा तो वो पैकिंग करके भेजेगा, बराबर है? अब सपोज एक बार ऑर्डर किया तो एक बार में 20 आ गए, ठीक है, अब तू बार बार ऑर्डर करते जाएगा तो बार बार उसको 20 का पैकिंग करके देना पड़ेगा, उससे अच्छा एक बार तू 100 का ऑर्डर कर तो वो 100 का एक बात में पैकिंग करके भेज देगा, तो तेरा नंबर ऑफ पैक्स बढ़ जाएगा ना जितनी बार ऑर्डर करेगा। चलो यहां पे कॉस्ट फॉर होल्डिंग इन्वेंटरीज में क्या क्या आएगा, स्टोरेज कम वेयरहाउसिंग कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज,
जिसको अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, अब जितना ज्यादा मंगाएंगे उतना मेरे को खराब होने का डर है, तो इसके लिए मैं उसका इंश्योरेंस करवाऊंगा, तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ सकता है आपका। समझ में आया एवरीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल, प्लीज राइट इट डाउन, लिख लो फटाफट। डन गाइस, आर यू ऑल डन? लिख लो, चलो 2 मिनट में वेट करता हूं, लिख लो। सर वो पैकेजिंग कॉस्ट भी मुझसे लेगा? हर चीज सामने वाला कस्टमर से ही रिकवर करता है एज अ रूल, याद रखना ये बात। सर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी समझाओ ना। जरूर समझाएंगे, देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए। अगर तूने ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवा दिया दिव्या, देन इन दैट केस क्या होगा, तेरे को उतना रॉ मटेरियल अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो उतना तेरा एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब से फॉर एग्जाम्पल तेरे पास जो वेयरहाउस है वो 1000 यूनिट का है, पर तूने 1500 मंगा लिया, तो वो जो एक्स्ट्रा 500 है उसके लिए और एक स्टोरेज के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गया, वेयरहाउसिंग कॉस्ट बढ़ गया तेरा। 500 जो तूने एक्स्ट्रा मंगाया है उसका पैसा भी तो देना पड़ेगा सप्लायर को, तो उतना पैसा तेरा ब्लॉक हो गया, उसके ऊपर तू इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी वो भी गया। सो वो सारी चीजें उसको बोलते कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, मतलब एक्स्ट्रा जो तूने मंगवाया है उसका कॉस्ट। समझा दिव्या जी? चल नाउ नाउ वी विल से दैट एज अ परचेज मैनेजर ये तीन कॉस्ट इंकर होने वाले हैं, एंड तीनों को बैलेंस करके अपने को आगे बढ़ना है। गॉट इट गाइस? सो लिख लेते हैं, एज अ परचेज मैनेजर देर आर थ्री मेजर कॉस्ट्स इंकर्ड फॉर मटेरियल। ए परचेज रिलेटेड, बी ऑर्डरिंग रिलेटेड, सी कैरिंग कॉस्ट। बैलेंसिंग द अबाउट थ्री कॉस्ट्स is the prime objective of
परचेज मैनेजर टू एंश्योर दैट राइट क्वांटिटी इन लीस्ट कॉस्ट इज ऑर्डर, राइट क्वांटिटी इन लीस्ट कॉस्ट इज ऑर्डर। प्लीज छाप। फटाफट लिख लो। चल चल हो गया। परचेज मैनेजर डन। चल अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर लेके जा रहा हूं तुमको। तुम्हारे को मैं बना रहा हूं परचेज मैनेजर और तुम्हारे को बताना है कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, आओ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एवरीबॉडी फोकस सुनो। सुनो, मेरे को चाहिए टोटल 3,200 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। आप मेरे को बताओ क्या पूरा का पूरा एक साथ मंगा लूं क्या? 3,200 केजी ऑफ रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए पूरे साल में। पूरे साल में मेरे को 3,200 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, क्या करूं बोलो? एक साथ मंगा लूं क्या? रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट
3200 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या पूरा मंगा लू क्या? ये देखो नानी बोलता है हाफ हाफ, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, तो रुको उसके लिए मैं बताता हूं क्या करना है। कोई बोल रहा है 300 मंगा लो, कोई बोलता है 3000 मंगा लो, तो नॉट टू लिटिल नॉट टू हाई, वी विल हैव टू ऑर्डर बैलेंस्ड वे। आओ देखते हैं वो बैलेंस्ड क्या होगा। फर्स्ट परचेज कॉस्ट बता दूं मैं आपको उसका, इसका परचेज कॉस्ट है रुपीज हंड्रेड पर केजी। सो 3200 केजीज अगर चाहिए एट द रेट ₹100 per kg। ओके, दूसरा कॉस्ट है इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो दिस इज ₹200 per order विच इज ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा, इसमें सब आ गया। थर्ड लोडिंग अनलोडिंग समझते हो, सपोज कोई माल आया तो उसको उतारना पड़ेगा, बराबर है उसको, तो उसको बोलते हैं अनलोडिंग। सप्लायर को उसको लोड करना पड़ेगा, ट्रक में चढ़ाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लोडिंग। उतारना पड़ेगा अनलोडिंग, तो बार बार आदमी लोग की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को, खर्चा बढ़ते जाएगा, जितनी बार ऑर्डर करते जाओगे उतनी बार ये लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। सो कैन आई से ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीजेस एंड कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस इफ द साइज ऑफ द ऑर्डर इंक्रीजेस। सही बोला क्या मैं, सही बोला क्या? तीसरा कैरिंग कॉस्ट ₹8 per unit per annum, इसमें आ गया आपका स्टोरेज इंश्योरेंस एंड कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इधर 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 एक चीज मैं लिख लेता हूं, इधर मैं विद योर परमिशन एक चीज लिख लेता हूं, क्या दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड दूसरा क्या था मेरा, कैरिंग कॉस्ट कब बढ़ता है, ये इंक्रीजेस विद साइज ऑफ द ऑर्डर। विद इंक्रीज इन size of the order, that is number of units per order. Hey samjhigdu, please abhi example ko likh lo aur fir isko solve karenge saath mein, please example ko likh lo, start।
चलो अब इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बेसिस पे, इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बेसिस पे वी हैव टू नाउ डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी आर ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड. क्या पूरा का पूरा 3200 एक साथ ऑर्डर कर दे क्या? तो आप लोग ना बोल रहे हो. क्या एक साथ 30 30 30 30 30 केजीज करे क्या? उसके लिए भी आप ना बोल रहे हो. लॉजिकली देख के लगता है सर 1600 एवरेज कर दो, बट क्यों ना उससे अच्छा एक कैलकुलेशन किया जाए. क्या बोलता है पब्लिक, कैलकुलेशन किया जाए, हाँ कि ना? तो चलो अब अपन बनाने वाले हैं एक लैंडमार्क स्टेटमेंट, जिसको अपन बोलेंगे स्टेटमेंट टू कैलकुलेट ऑप्टिमम कॉस्ट एंड क्वांटिटी. स्टेटमेंट टू कैलकुलेट ऑप्टिमम कॉस्ट एंड क्वांटिटी. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. आ जाओ. सो एक स्टेटमेंट बनाना है. क्या बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है? कोई बोल रहा है 3200, कोई बोल रहा है 30. अरे बहुत कंफ्यूजन है. सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड वंस. टू बी ऑर्डर्ड एट वंस. सेकेंड क्या होगा उसका परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट. ठीक है, कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? सर ये क्या है हमको नहीं समझा. आई विल एक्सप्लेन, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर एक कॉन्सेप्ट है एवरेज स्टॉक, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एंड फिर फाइनली टोटल कॉस्ट. अब प्लीज आने वाला 5 मिनट मेरे को अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए तुम्हारा. अनडिवाइडेड अटेंशन मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि मतलब अगर, ठीक है, आप ऐसा सोचो कि आपका क्रश आपके सामने बैठा या बैठी है, तो क्या आप किसी और को सुनोगे क्या, किसी और को देखोगे क्या? द आंसर इज नो. बस उतना ही अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे चाहिए आने वाले आधे घंटे के लिए. आधा घंटा भी नहीं, चल आने वाले 15 मिनट के लिए दोगे उतना अटेंशन मुझे? ठीक है, ऐसा सोचो कि मैं आपका क्रश हूं. ठीक है, डन. लड़के लोग मत सोचो भाई ऐसा, लड़कियां सोच सकती है. लड़के लोग सोचो, सोच लो संकल्पी बैठी है. ठीक है, चलो फुल फोकस एवरीबॉडी हियर, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए तुम्हारा मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए. और वो तभी मिल सकता है जब सामने कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसको अपन देखते रहे और सुनते रहे, जो डेफिनेटली आपका प्रोफेसर तो नहीं हो सकता है कि नहीं? उसको तो आपको कोई आपको ऐसा लगाव नहीं है. इसके लिए मैं बोल रहा हूं 15 मिनट के लिए सोच लो कि संकल्पी फॉर बॉयज एंड संकल्प, कैसा है तू अर्णव? चलो ठीक है, आया फील आया थोड़ा. वो आजकल तो वैसे भी मूवीज बन रही है, आयुष्मान खुराना वही काम कर रहा है. ओ मेरे दिल का टेलीफोन बजता डिंग डिंग ना डिंग. चलो 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 ओके 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 चलो स्टार्ट करते हैं. चलो लड़को ध्यान दो मेरे पे. ओ भाई ये लड़कों को करना है, लड़कियों को नहीं. कुसुम चलो इधर. नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट वंस. ठीक है,
एक बार में आप कितने, आपको टोटल कितने यूनिट्स चाहिए, चलो मेरे को बताओ आपको टोटल कितने यूनिट्स चाहिए, ये बताओ मेरे को, कम ऑन एवरीबॉडी, आपको टोटल कितने यूनिट्स चाहिए? आपको टोटल कितने यूनिट्स चाहिए बताओ, आपको टोटल कितने यूनिट्स चाहिए? 3200। अब मैं एक बार में 3200 ऑर्डर्स, 3200 यूनिट्स भी ऑर्डर कर सकता हूं, ठीक है, मैं एक बार में 1600 यूनिट्स भी ऑर्डर कर सकता हूं, मैं एक बार में 800 यूनिट भी ऑर्डर कर सकता हूं, है कि नहीं? मैं एक बार में 400 यूनिट भी ऑर्डर कर सकता हूं, ऐसे रैंडमली बोल रहा हूं, सब कुछ इतना वो सोचा नहीं है, मैं एक बार में से 200 केजीज भी ऑर्डर कर सकता हूं, मैं एक बार में 100 किलो भी ऑर्डर कर सकता हूं, मेरी मर्जी यार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे भाई, जिसमें सबसे कम कॉस्ट बैठेगा वो कॉस्ट ले लेंगे, मैं एक बार में 40 किलो भी ऑर्डर कर सकता हूं, और मैं एक बार में 10 किलो भी ऑर्डर कर सकता हूं, बोलो इससे नीचे तो क्या ही गिर? बराबर है, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गए आपके पास, अब आ जाओ, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गए, अब आ जाओ पहले के ऊपर, मैं 3200 करूं, 1600 करूं, 800 करूं एक बार में, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट वंस, ठीक है, तो एक बार में 1600 करूंगा तो टोटल टोटल मेरे को कितने यूनिट्स चाहिए, टोटल कितने रॉ मटेरियल चाहिए, टोटल मेरे को कितने यूनिट्स चाहिए इन ऑल? 3200 यूनिट चाहिए, एक यूनिट का कितना है, एक यूनिट का कितना है 100 रुपया पर केजी, बराबर है, तो अब मैं 3200 एक बार में मंगाऊ या 1600 दो बार में मंगाऊ या 800 चार बार में मंगाऊ, मेरा टोटल परचेज कॉस्ट तो उतना का उतना ही रहने वाला है ना यार, क्या बात करते हो, समझ में आया क्या भाई, मेरा टोटल कॉस्ट तो 320,000, 3200 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 100 पर केजी वही रहने वाला है ना यार, विच इज रुपीज 320,000, 3,20,000, समझ में आया क्या भाई, टोटल मुझे इतने यूनिट्स मंगाने हैं 3200, अब मैं एक बार में 1600 मंगा रहा हूं तो दो बार मंगाना पड़ेगा, पर टोटल कॉस्ट तो वही रहेगा ना यार, समझे क्या तुम लोग? समझो मैं एक बार में 800 यूनिट मंगाता हूं तो चार बार मंगाना पड़ेगा भाई, मेरा टोटल रिक्वायरमेंट है 3200 का, 3200 का, तो 800 यूनिट्स मेरे को चार बार मंगाना पड़ेगा, पर चार बार मंगाऊंगा तो टोटल 3200 होता है भाई, एक का तो 100 है तो टोटल तो 320,000 रहेगा ना यार, समझे एवरीबॉडी, प्लीज कंफर्म करो वरना मैं नहीं आगे बढ़ सकूंगा यार, ये बोलो ना यार, समझे क्या, ये तुमको समझा? ओके गाइस, आर यू कनेक्टिंग विद मी? चलो ठीक है, ठीक है, तो चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये तो भाई मेरा 320,000 आ रहा है। डन चलो अब क्रूशियल चीज स्टार्ट हो रही है, अब फोकस करो, चलो अब संकल्पी पे ध्यान देना है, एवरीबॉडी फोकस नाउ, पे अटेंशन, एक बार में अगर 3200 यूनिट्स ऑर्डर करता हूं तो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे को, एक बार, राधिका को इसमें डाउट है, टोटल परचेज कॉस्ट में, राधिका बोल रही नहीं समझ में आया सर, वापस से एक बार सुनो राधिका जी, भाई मैडम मैं एक से पहले राधिका का डाउट क्लियर कर देता हूं, राधिका को ये 320,000 नहीं समझा, राधिका जी मेरे को पूरे साल में टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर एनम, पूरे साल में मेरे को 3200 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए,
अब मैं 200 200 करके मंगाऊं, 100 100 करके मंगाऊं, या एक बार में 3200 मंगा लूं, मेरे को टोटल तो 3200 केजीज रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, तो मेरा जो परचेस कॉस्ट है वो तो 3200 इंटू 100 ही रहेगा ना। समझे क्या राधिका जी? Got it? ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे आ जाओ। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे आ जाओ। अगर मैं एक बार में 3200 केजीज मंगाता हूं तो मुझे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? एक बार, ठीक है। अगर मैं 1600 यूनिट्स मंगाता हूं तो मुझे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर मैं 1600 केजीज मंगाता हूं एक बार में तो मुझे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? दो बार। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? कैन आई से 3200 डिवाइड बाय 1600? अगर मैं 800 मंगाता हूं तो, अगर मैं 400 200, समझ गए हमारे होशियार लोग, समझ गए, 40 यूनिट्स मंगाता हूं तो, 40 केजीज मंगाता हूं तो 40 इंटू 80 टाइम्स, तब जाके 3200 होगा, और ये 320 टाइम्स। समझ में आया एवरीबॉडी? समझ में आया? पहला एक सेकंड, पहले ये परचेस कॉस्ट 320,000 सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? इसका मैं एक नोट ही लिखवा देता हूं यार, मुझे मच नहीं चाहिए। नोट, नोट वन फॉर परचेस कॉस्ट, परचेस कॉस्ट विल बी इंकर्ड, परचेस कॉस्ट विल बी इंकर्ड ऑन अ ओवरऑल बेसिस, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड एट वन टाइम overall purchase cost will be same only। बराबर है? अच्छा, अब आते हैं नोट टू पे। अगर मुझे पता करना हो कि कितने मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे, कितनी बार नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होने वाले हैं, मुझे कोई फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होगा? तुम लोग ने तो सीधा डायरेक्टली बता दिया 1 2 4 1 2 का 4, बट मुझे, मैं आपके जितना होशियार बच्चा नहीं हूं, तो मुझे अगर पता करना है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे तो ये मैं कैसे पता करूंगा बरकरदार? ये आपको बताना है मुझे। बोलो बोलो बोलो, टेल टेल, बताओ ना, बताते क्यों नहीं? टोटल, पलक 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 ध्यान दे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट वन। बराबर है? बराबर है। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला देखो, तुम लोग खुद डिराइव कर रहे हो, इतने होशियार हो गए हो, क्या बात है, मुझे सिखा रहे हो आज तुम लोग, वेरी नाइस। सो टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय quantity of raw material per order, समझ में आया? So it could be 3200 by 3200 first वाले केस में 1, second वाले केस में 3200 divide by 1600 2, so on and so forth।
ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा, बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा। देखो क्या बोले, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 पर ऑर्डर, 200 पर ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा, कैन आई से ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 200 पर ऑर्डर। नोट वन, ये लो, बोलो 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 क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा, बोलो बोलो टेल टेल। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम ही रहेगा ना, कैसे सेम रहेगा, तू ये केस में खाली एक बार ऑर्डर कर रहा है, ये केस में दो बार, ये केस में चार बार, ये केस में आठ बार, कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगा। वाह यार, एक बार का 200 रुपया लगता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ नहीं तो समझे क्या। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 × 1 = 200, यहाँ पे दो बार 200 × 2 = 400, 200 × 4 = 800, 200 × 8 = 1600, 3200 = 6400, 80 × 200 = 16,000, 64,000, समझे। वेरी गुड साक्षी जी, वेल डन। अरे नोट टू भी देख लो भाई, नोट टू भी देख लो, वेल डन साक्षी जी, ऑल डन। बाकी बाकी लोग, बाकी लोग, ओ मेरे दिल का टेलीफोन, अब सुनो। मालूम है ये कैरिंग कॉस्ट क्या था, कैरिंग कॉस्ट क्या था याद है, मेरे को इसको स्टोर करके रखना पड़ता है उसका कॉस्ट, या मेरा जो पैसा ब्लॉक हो जाता है उसका कॉस्ट, बराबर है, वो है, वो उन्होंने बोला 8 rupees 8 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। बट क्या मेरा पूरा का पूरा 3200 पूरे के पूरे साल भर तक ऐसे ही पड़ा रहा क्या मेरे पास, क्या मेरे को पूरा का पूरा 3200 को स्टोर करना पड़ा क्या, आप मेरे को बताओ। द आंसर इज नो। क्या पूरा का पूरा 3200 मेरे को पूरे साल तक स्टोर करना पड़ेगा क्या, नहीं, उसमें से कुछ स्टॉक अभी यूज हो जाएगा, कुछ स्टॉक थोड़े टाइम बाद, कुछ स्टॉक थोड़े टाइम बाद, कुछ स्टॉक थोड़े टाइम बाद, तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा कितना कब यूज हो रहा है, वो तो मुझे पहले से नहीं पता चलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। सो देयरफॉर देयर इज अ अजम्पशन कि यहां पे आपका पूरे साल में एवरेज स्टॉक कंजम्पशन हुआ होगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपको समझेगा। सर एक सेन, एक सेन, शुभम समझा नहीं क्या बोल रहा है। सर डायरेक्ट यूनिट्स पे लगाते हैं ना, आपने टाइम से मल्टीप्लाई क्यों किया। अरे मेरे भाई क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख, क्या लिखा है इधर, इधर क्या लिखा है देख शुभम, इधर लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर, तेरा ये पर ऑर्डर का कॉस्ट है, तो तू अगर एक साथ में 1600 क्वांटिटी मंगा रहा है तो उनको पूरे साल में 3200 का क्वांटिटी चाहिए, तो तू दो बार ऑर्डर करेगा, एक बार ऑर्डर करने पे तेरा 200 रुपए का कॉस्ट लग रहा है, तो दो बार ऑर्डर करने पे 400 रुपया लगेगा ना। शुभम समझा क्या बेटा। शुभम समझा क्या बेटा, देखो ध्यान दे, ध्यान दे, ओ पर ऑर्डर कितनी बार ऑर्डर किया, हाँ 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 पर ऑर्डर राजा, पर ऑर्डर, ध्यान से पढ़ो क्या लिखता हूं मैं इधर, ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला ना तुम्हारा अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, मुझे पता है तुम भटक जाते हो इधर उधर। पर अगर अब मैं ये आवाज में बात करूंगा तो शुभम साहू कभी नहीं भटकेगा मेरी बातों से,
है ना। चलो ठीक है, चलो ओके डन। अब आते हैं एवरेज स्टॉक के ऊपर। अब सुनो, पहले इसका मतलब समझो। कैरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी ऑन एवरेज स्टॉक बेसिस। अब सुनो, समझो मैंने एक साथ 3200 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए, ठीक है। अब ये मैंने फर्स्ट डे पे ऑर्डर कर दिए, अब हो सकता है इसमें थोड़ा यूनिट्स से 200 यूनिट्स सेकेंड डे पे यूज होगा, 100 यूनिट्स मेरा फोर्थ डे पे यूज होगा, और 100 यूनिट्स मेरा 40th डे पे यूज होगा। मुझे पता नहीं है कब मेरा कौन सा यूनिट यूज होने वाला है, ठीक है। तो अपन लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो 3200 है इसमें से 50% स्टॉक, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो मेरा एंड तक चलेगा और 50% मेरा कंज्यूम हो जाएगा। इन द सेंस दैट सी हियर एंड हियर, ये 3200 मैंने यहां पे आज मंगवा लिया, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा यूज होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा यूज होते जाएगा, होते इधर एंड होगा। तो मैंने पूरा का पूरा 3200 तो पूरे साल तक यूज नहीं किया, बट एट द सेम टाइम ये जीरो भी पूरे साल में स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, ये भी होते 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 हुआ। तो अब यहां पे कितना यूनिट्स का मेरे को एक्चुअली स्टॉक कैरी करना पड़ा, जितना मेरा बोलते ना कैपिटल ब्लॉक हुआ वो मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है टेक दिस एज हाफ स्टॉक, या इसको बोलते हैं एवरेज स्टॉक। तो ऐसा अज्यूम करने का कि मेरा एवरेज स्टॉक मेरा पैसा अटका रहा है। सो एवरेज स्टॉक अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाय टू। सो जो भी आपने ऑर्डर किया है उसका डिवाइड बाय टू। सो 3200 केजीज ऑर्डर किया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरा का पूरा आपका स्टक नहीं हुआ होगा, डिवाइड बाय 2, 1600 केजीज। समझे, 1600 किया होगा तो पूरा का पूरा स्टॉक नहीं आपका अटक नहीं रहा है, 800 केजीज, 400 केजीज, 200 केजीज, 100 केजीज, 50 केजीज, 20 केजीज एंड 5 केजीज, ओके। एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना दिया है, इट इज रुपीज 8 पर यूनिट पर एनम देगा वो लोग क्वेश्चन में। रेट रुपीज 8 पर यूनिट पर एनम, तो 1600 × 8। देखो भाई, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो उसका कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया, एक साथ इतना सारा यूनिट ऑर्डर किया है अब उसको मेंटेन करने का कॉस्ट तो लगेगा ना, तो 1600 × 8 12,800। समझ में आया, 800 × 8 6400। देखो सीधा दिख रहा है, अब यहां पे खाली एक बार में 10 क्वांटिटी मंगाया तो कुछ कैरिंग कॉस्ट आया ही नहीं उसका। सर हाफ क्यों किया, 3, 4, 5 से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअली कंजम्पशन क्या बेसिस पे होने वाला है, इसके लिए एवरेज ले लिया, बिकॉज नोबडी हैज एनी आइडिया। इसके लिए अपन लोग एवरेज ले लेते हैं कि भाई ना एक्सट्रीम दिस साइड ना एक्सट्रीम दैट साइड। हाँ,
ये वो 1600 है जो अपन लोग ने प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम ना करके अपने पास अभी फिलहाल स्टोर करके रखा है, तो वो स्टोर करके रखा है तो स्टोरेज कॉस्ट, वेयरहाउस कॉस्ट, मेरा जो इंटरेस्ट ब्लॉक हो गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सब आएगा ना, वो है ये। एवरेज स्टॉक थोड़ा धीरे धीरे समझेगा, थोड़ा सा लेवल वाली चीज है ये, थोड़े सम्स करेंगे ना तो एक एक फीलिंग आते जाएगा। अच्छा ऐसा देखो, मेरे पास एक साथ 3200 यूनिट्स आ गए, ठीक है, ये 3200 यूनिट्स मैंने स्टोर में रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये 3200 पूरे के पूरे पूरे एक साल तक तो पड़े नहीं रहेंगे, थोड़ा मैं अभी यूज करूंगा, समझो 200 यूनिट मैंने फर्स्ट डे पे यूज किया, तो बाकी के 3000 यूनिट 364 डेज के लिए यूज हुए, मैंने उसमें से और 100 यूनिट्स ले लिए, तो बाकी के 3100 यूनिट्स 360 डेज के लिए यूज हुए। अब कौन सा कितने डेज के लिए क्या यूज होने वाला है मुझे नहीं पता है, इसके लिए मैंने क्या ले लिया, एक जनरल टर्म्स पे एवरेज स्टॉक ले लिया कि भाई हर स्टॉक आधे आधे टाइम के लिए यूज हुआ है, वो लॉजिक से यहां पे एवरेज आउट कर दिया है। समझ में आया? और आएगा, आगे भी आएगा, डोंट वरी। चलो अब फाइनली वी आर रेडी एंड ऑल सेट टू डू द फाइनल कैलकुलेशन, विच इज टोटल कॉस्ट। क्या क्या है टोटल कॉस्ट में, क्या क्या आता है टोटल कॉस्ट में, क्या क्या आता है, अभी तुम लोगों को सिखाया था, एक परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, श्रेया समझा? तो ये एक ए बी सी बराबर, ए बी सी, तो कितना आ रहा है 3,33,000, परफेक्ट। प्रशांत बोल रहे हैं तो सर 10 यूनिट्स में स्टॉक कैसे बच गया, मैं किधर बोला स्टॉक बच गया, स्टॉक नहीं बचा एक भी, बट अज्यूम किया कि 5 किलो जितना यूज हुआ रहेगा, अगेन इट्स एन अजम्पशन, एवरेज लिया है, अजम्पशन लिया है, रियल में तो क्या हुआ है वो अगर पता चल जाए पहले से ही तो अपन उस हिसाब से कर लेंगे, बट हर बार ना पता चले इसके लिए कुछ एक स्टैंडर्डाइज लाना पड़ेगा, वो स्टैंडर्डाइजेशन में बोला है एवरेज स्टॉक ले 333, फिर 326,800, वेरी गुड पलक, अदर्स फिर 324, फिर आगे बोलते जाओ, फिर ओके अब इधर देखते जाओ, अब इधर देखते जाओ, प्लीज प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, सुनो, जब 3200 एक साथ ऑर्डर करता हूं ना तो 3,33,000 कम किया, 3,26,000 कम हो गया कॉस्ट, और कम करता हूं 800, 324 और कम हो गया, जब 400 करता हूं तो 323,200 और कम हो गया, गाइस गाइस गाइस, जैसे जैसे मैं कम करते जा रहा हूं मेरा कॉस्ट कम होते जा रहा है, गाइस गाइस, ऑर्डर टू बी क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, जैसे जैसे मैं कम करते जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा ओवरऑल कॉस्ट कम होते जा रहा है, 200 केजी की अगर ऑर्डर कर रहा हूं, ओ बढ़ गया वापस, बढ़ गया बढ़ गया, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस बढ़ गया, तो आप मुझे बताओ ऑप्टिमम कॉस्ट कहां पे आ रहा है, करेक्ट, मतलब 400 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर कर लो,
करेक्ट, वे एकदम सही कॉस्ट लाएगा। तो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं 2 मिनट लेके आपसे। कंक्लूजन, कॉस्ट इज मिनिमम, 2 मिनट देना मेरे को। कॉस्ट इज मिनिमम और ऑप्टिमम व्हेन 400 क्वांटिटी ऑफ आरएम इज ऑर्डर्ड एट वन टाइम। और एक बात बताऊं, एक बात बताऊं जो तुम लोग ने नोट नहीं की होगी, इस पॉइंट पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरा कैरिंग कॉस्ट सेम है। क्या ये कोइंसिडेंट है? नहीं, हर बार यही होगा। ये देखो। ऑलवेज सेम होगा शुभम। यस, एंड एट दिस क्वांटिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। इस 400 क्वांटिटी ऑप्टिमम मिनिमम वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, इस क्वांटिटी को आज के बाद अपन कहेंगे ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जी हा, यस। और मैं आपको एक एक चीज डिराइव करके बताऊंगा, बट आज नहीं, कल। अभी के लिए इतना ही काफी है। ए समझिगुडू, क्लियर एवरीबॉडी? सर ईओ क्यू मतलब ओसी इज इक्वल टू, अभी तो कल मैं इसको और बहुत डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लो। समझ में आया सबको? अब कल मैं इससे रिलेटेड फॉर्मूलास जो डिराइव करूंगा ना, मजा आ जाएगा। हाँ, ईओक्यू मतलब वही है, ईओक्यू मतलब वही है। गॉट इट?
क्लियर एवरीबॉडी? मजा आया सब लोग को? प्लीज कंफर्म कर लो भाई. डन 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 डन. कूल, शाबाश. चलो थैंक यू सो मच. मुझे भी मजा आया आप लोग के साथ ये सेशन कंडक्ट करने में. एंड आई थिंक फर्स्ट सेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड एक अच्छे लेवल पे अपन लोग पहुंच गए. ठीक है, कहानी स्टार्ट हुई थी अभी 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 तुम लोग क्लियर बोल रहे हो, बट अभी कल मैं वापस से पूरा रिवाइज करवाऊंगा, फॉर्मूलाज डिराइव करवाऊंगा और कल थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपन लोग सॉल्व करना चालू करेंगे, तो और एक लेवल अपन लोग ऊपर आ जाएंगे. शंबिल पूछ रहा है कॉस्टिंग आसान है ना सर? यार मेरे लिए तो है ही, बट आप जब ये चीज बोलोगे ना कि हाँ सर कॉस्टिंग आसान है ये आपके साथ लग रही है, तब काम खत्म होगा पूरा, तब लगेगा दैट यस कॉस्टिंग सच में आसान है. सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड एंड टेल, राइट? बाकी एक बात हमेशा याद रखना, देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस, नेवर. चलो ऑन दैट नोट, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता एंड चलो बढ़िया, एंड मिलते हैं कल के सेशन में. कल मैं पहले रिवाइज करवाऊंगा और फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हास्ता ला विस्ता. ये नोट्स अपलोड कर रहा हूं, वहां से आप लोगों को कुछ कॉपी करना है कॉपी कर लेना. थैंक यू.